तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहां पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं के लिए अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा, ये तो रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि अंग्रेजी विषय का है, और ये रहा आपके पेपर का अंग्रेजी का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से मैं आपको एक एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। देखिएगा, कक्षा 12वीं का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर है जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखो, ये इस प्रकार का पेपर होगा, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल ये आपका 80 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। आप देखो, ये आपके पेपर का सेक्शन ए है जो कि एक रीडिंग सेक्शन होगा। इसमें आपसे 10 अंक का एक पैसेज पूछा जाएगा इस प्रकार का। आप चलो जल्दी से हम इस क्वेश्चन पेपर को समझते हैं, और यकीन मानिएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और पूरा का पूरा आपने इसको अच्छे से याद कर लिया तो पूरे के पूरे आपके 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से छूटने वाला नहीं है। चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर को। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, यह आपके पेपर का सेक्शन ए है जिसमें कि इस प्रकार का एक पैसेज होगा। अब चलो इस पैसेज के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से देख लें, पहले का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। तीसरे की बात करें, ग्रीन हार्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट, तो देखो, पेकिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर दे मेचर, तो देखो थर्ड का राइट आंसर ए आ जाएगा। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। फाइव नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर भी आपका बी होगा। सिक्स नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। सेवन नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर भी ए होगा, और एट नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर भी ए होगा। नाइन नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर भी आपका ए आ जाएगा। इस प्रकार से देख ले आप सब लोग, और उसके बाद में देखो, टेन नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ दिस। तो आप स्वयं इनको पढ़ लेना और समझ लेना, थोड़ा सा याद जरूर रखना क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर दो जो लिखा है ना, कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट ईजली, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें, ये पूरा का पूरा एक पैसेज है। अब इसमें से आपसे नोट्स बनवाए जाएंगे और टाइटल देने को कहा जाएगा। तो वैसे तो यहाँ पर आपको एक आई बटन में लिंक दे दूंगा वीडियो की, उस वीडियो को देखकर आप लोग नोट मेकिंग को करना, हल करना सीख जाओगे। और फिर वैसे मैं यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ कि नोट मेकिंग आखिरकार बनाई कैसे जाती है। देखिएगा, यहीं पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो किधर गया, देखो ये, ठीक है ना। देखो, आपको नोट मेकिंग इस प्रकार से तैयार करनी होती है। यहाँ से आप सब लोग टाइटल दे दें इसको इस प्रकार से, और ये नोट्स बना देने इस प्रकार से, आप सब लोग देख लेंगे इसको। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीन को पढ़ते हैं। देखो, प्रश्न नंबर तीन में इस प्रकार का ये आएगा आपका, यू आर ऐश्वर्या पटेल स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12th। तो यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें, प्रश्न नंबर तीन लिखा है पूरा का पूरा, जिसमें कि इस प्रकार का वो आया है, SS स्कूल देवास में आप पढ़ते हो और आपको एक बिग मिला है प्लेग्राउंड में, प्रिपेयर एंड नोटिस, नोटिस बनाना आपको नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के लिए। तो चलो जल्दी से हम इसको देखते हैं। तो देखो, खोया पाया लॉस्ट एंड फाउंड के लिए नोटिस है, पूरा का पूरा देख ले आप लोग। और उसके अथवा में पूछा जाएगा, ड्रग्स का पोस्टर पूछा गया है अगेंस्ट ड्रग्स, ठीक है, यहाँ से देख लो आप लोग, ये पोस्टर आया आपके पेपर के लिए। चलो जल्दी से मैं आपको ये पोस्टर भी बता देता हूँ, ये लिखा है ये, ठीक है, डू यू लव यूर सेल्फ एंड यूर फैमिली, इस प्रकार से आपको लिख देनी है। और इफ यू देन से नो टू ड्रग्स, इस प्रकार से पूरा का पूरा ये बनाकर लिख देना है, ठीक है ना, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से आप लोग देख लो इसको, पूरा का पूरा बना लेना इस प्रकार से। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन ये होगा, प्रश्न नंबर चार, प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर, इसमें आपको पोस्टर बनाना है, और क्या लिखा है ये तो अपन ने देख लिया। उसके अथवा जो क्वेश्चन है ना आपका, ब्राइट लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन आई है आपकी प्रश्न नंबर चार में। चलो मैं आपको लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन बता देता हूँ। देखो, लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन ये लिखी है, आप सब लोग देख लें यहाँ से, और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना ऐसे, ठीक है, ये मैंने बता दिया यहाँ तक का आपको, आप सभी लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है, यू आर अमित नेमा लिविंग इन 8X23 गगन हॉस्टल रतलाम, तो यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, प्रश्न नंबर चार के अथवा वाले क्वेश्चन का। देखो, प्रश्न नंबर चार का जो अथवा वाला क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा, आप सब लोग देख लो, ये इसका राइट आंसर पूरा का पूरा आपको दिया गया है। तो आप लोग इस प्रकार से देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें यहाँ तक का।
अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5 में, लास्ट मंडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड हू वाज। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए विजिट टू हॉस्पिटल का आपको क्या लिखना है, देखिएगा, यूजिंग फॉलोइंग इनपुट राइट अप ए विजिट हॉस्पिटल। तो देखो यहाँ से आपको ये लिखना है, तरीका पैराग्राफ होता है ये प्रश्न नंबर 5 में जो कि पूछा गया है। तो देखो इसका यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन लिखा है, आप सब लोग इसको समझ लेना और पूरा का पूरा इसको हल करके लिख देना परीक्षाओं में। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, या फिर आप लोग इसके अथवा वाले क्वेश्चन को भी आप लोग हल कर सकते हो। अब चलो मैं आपको सीधा ग्रामर बताता हूँ। देखो पहले में आपका माया आ जाएगा, सेकंड में बोथ आएगा, थर्ड में आपका हीड आ जाएगा, फोर्थ में आपका लिस्ट आएगा, फाइव में आपका आ जाएगा फ्रॉम, सिक्स में आपका आ जाएगा वेन। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे डुएट डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। देखो डुएट डायरेक्टेड का वीडियो मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दूँगा, उस वीडियो को देखकर आप लोग इनको बनाना सीख लेना, बाकी मैं आपको इनका सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। देखो इनका सॉल्यूशन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख ले प्रश्न नंबर 7। देखो 7 का पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ये लिखा है, सेकंड नंबर का राइट आंसर ये लिखा है, और थर्ड नंबर का राइट आंसर ये दिया गया है, फोर का ये लिखा, सिक्स का ये लिखा, फाइव का ये लिखा है, आप लोग इस प्रकार से इसको देख लें। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 8 जो होगा ना, इसमें एक एस्ट्रैक्ट पूछा जाएगा जो कि आपकी पुस्तक में से लिया गया है, पुअर मैन इट वाज हॉर्नेबल ऑफ दिस लास्ट लेसन। तो आप सब लोग पढ़ लें इसको, प्रश्न नंबर 8 है ये। अब इसमें पहला क्वेश्चन, हु डज द नरेटर रिफर टू एज ए पुअर मैन। तो देखो पहले का राइट आंसर सी आ जाएगा, और दूसरे का राइट आंसर जो होगा ना वो आपका सी आ जाएगा, ये भी देख लें आप सब लोग। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर डी होगा, आप सब लोग इसको देख लें, और चौथे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, और पाँचवें का राइट आंसर आपका ए आएगा। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें, सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 9 को देख लें, 9 का ए वाला भाग है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो आप सब लोग इसको पढ़ लें पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस लिटरली डिवाइस हैज़ बीन यूज इन द लाइन। देखो इसका राइट आंसर पहले का सी आ जाएगा, सेकंड का भी सी होगा, यहाँ से देख ले, थर्ड का भी आपका ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लें। अब ये 9 का बी नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग पढ़ लें। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहले का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, और सेकंड का राइट आंसर भी आपका बी होगा, और थर्ड का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, फोर्थ का राइट आंसर भी आपका डी आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 10 में आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग देख लें यहाँ से, इनमें से कोई भी आपको 5 हल करने होंगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि इनके आंसर क्या होंगे, तो आप सब लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 10 के सभी 6 क्वेश्चन के आंसर अब आगे देखने वाले हैं। तो देखो अब आगे आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 10 में जो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के उत्तरों को देख लो यहाँ से और इनको याद कर लेना। तो देखो 10 का पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और उसी के बाद में दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है, और उसी के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, तीसरे के बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग नोट कर लो, और प्रश्न नंबर 6 का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी याद कर लो। अब यहाँ तक के क्वेश्चन सभी के सभी मैंने बता दिए, अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 11 में आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। अब चलो मैं जल्दी से आपको इनके आंसर बता देता हूँ, प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो प्रश्न नंबर 11 के पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है, आप सब लोग देख ले, 11 के पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है, और 11 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है, और इसके अलावा 11 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है, और चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लें अच्छी प्रकार से। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। तो देखो 12 में आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 12 के तीनों ही क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, चलो हम समझते हैं। देखो 12 का पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें, और उसके अलावा देखो इसी के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये दिया गया है, और तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन देख लिए थे अपन ने, अब इसके बाद में 13 को देखेंगे। 13 में आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और 13 के इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिएगा 13 के पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है,
आप सब लोग देख लो इसको और अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो 13 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप सब लोग इसको भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया ये, देखो 14 का उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा समझ भी लें, ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर होगा। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, 14 के अति वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो 14 का अति वाले क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। देखो 15 का अति वाला क्वेश्चन, व्हाट्स वैल्यू ऑफ लाइफ डज द स्टोरी टाइगर टिंग गिव अस। देखो 15 का अति वाला क्वेश्चन, 15 का मेन क्वेश्चन और अति वाले क्वेश्चन का आंसर अब हम देखने वाले हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। तो देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लीजिएगा, और 15 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इसको भी देख लें और याद कर लें अच्छे से। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।